एक दफा का जिक्र है कि एक घने जंगल में एक बहुत ही जानी शेर रहता था। वो जब भी किसी जानवर को देखता तो उसको मार देता रहा। जंगल के सभी जानवर बहुत खौफजदा हो रहे थे, लेकिन वो शेर दिन ब दिन जालिम होता जा रहा था, जिससे जंगल के बचे खुचे जानवर बहुत डर चुके थे और उन्होंने अपने जगहों से और अपने घरों से निकलना भी बंद कर दिया था। एक चीता और हाथी इरम को अपने साथ लेकर गए शेर को मात देने के लिए, लेकिन वो हार कर वापिस आ गए। एक दिन जंगल के कुछ जानवर घने दरख्त के नीचे इकट्ठे हुए बैठे थे। वो उस जालिम शेर की बातें एक दूसरे को बता रहे थे और उसी शेर का जिक्र बार बार कर रहे थे। पास से एक छोटा सा खरगोश गुजरा, उसने जब ये सारी बातें सुनी अचानक से बोला कि वो इस शेर को सबक सिखा सकता है। ये बात सुनकर जंगल के सभी जानवर हंसने लगे और उन्होंने खरगोश का मजाक मनाना शुरू कर दिया। इन्हीं जानवरों में एक समझदार बकरी भी मौजूद थी। उसने कहा कि खरगोश को मौका देने चाहिए, कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है, ये तो फिर भी एक जानवर है। ये सब सुनकर उन्होंने फैसला किया कि कल के दिन इस खरगोश को मौका दिया जाएगा, क्योंकि हम सब तो अपनी बारी आजमा चुके हैं लेकिन हम नाकाम हुए। दिन निकलते ही खरगोश शेर के जार में जब शेर ने खरगोश देखा तो उसने हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमले से पहले ही खरगोश ने उसे बताया कि तुम छोटे छोटे जानवरों पर अपनी ताकत आजमाते हो, कभी उस शेर से जाकर मुकाबला करो जो तुमसे भी ज्यादा बड़ा है, उस ताकत ने तुमसे भी दुगुना। ये सुनकर शेर हैरान रह गया। उसने खरगोश को बताया कि मेरे अलावा इस जंगल में दूसरा कोई शेर मौजूद नहीं है, लेकिन खरगोश ने उसको यकीन दिलाया कि तुमसे भी ज्यादा जालिम और तुमसे भी ज्यादा बड़ा शेर यहाँ मौजूद है जो तुम्हें ललकार रहा था। ये सुनते ही जालिम शेर तैश हुआ आ गया और उसने खरगोश से कहा कि मुझे उसका पता बताओ। ये खरगोश खुश हो गया और शेर को अपने साथ लेकर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते ही जंगल में एक गहरा कुआं मौजूद था। वहां पर जब खरगोश ने जाकर शेर को बताया कि इसके अंदर वो दूसरा शेर रहता है, शेर ने जब कुएं के अंदर देखा तो वहां उसने अपना अक्स पाया। वो अपने अक्स को दूसरा शेर समझ बैठा और उससे से लाल पीला हो गया। उसने उसी वक्त टांडा शुरू कर दिया और जब उसने अक्स ने देखा तो वह समझा कि कुएं में कोई और शेर है जो उसे देखकर उससे भी ज्यादा डर रहा है। ये देखकर शेर बहुत खौफजदा हो गया और वहां से भाग पड़ा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये नतीजा हासिल होता है कि कभी भी किसी को कमतर या छोटा नहीं समझना चाहिए।